6 अक्टूबर को गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रिसीव्ड हेवी और हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ऑल स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल एक्सीडिंग 6.5 सेंटीमीटर्स एंड हाईएस्ट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम पणजी, पणजी से 18 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर रिपोर्ट हुआ। ओल्ड गोवा, मापसा, फिर केपेम, ये सारे स्टेशनों से अराउंड 13 सेंटीमीटर रिपोर्ट हुआ। देन फ्रॉम पेरने, वालपोई, सांकली सब 9 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट हुआ। और सांगीम 11 सेंटीमीटर, मरगांव 9 सेंटीमीटर और कानकोना से भी 6 सेंटीमीटर रेनफॉल, 7 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। और कल का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल जो था वो नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स हायर था, और उसके कारण पोस्ट मानसून सीजन का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल है नॉर्मल से अराउंड 150% ज़्यादा है आज के दिन। और इसका हम रीसेंट्स अगर देखेंगे, इफ़ यू वर फॉलोइंग IMD's रेगुलर बुलेटिन्स, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एर्लियर दैट देर वॉज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और उसका वेस्टवर्ड मोमेंट भी एक्सपेक्टेड था फ्रॉम अराउंड 5th of October, एंड हैवी रेनफॉल वार्निंग वॉज इश्यूड फॉर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑन 6th and 7th of October. सो द थिंग हैज़ हैपेंड इज दैट सर्कुलेशन मूव्ड अक्रॉस एंड इट इज़ नाउ ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। यू कैन सी सम क्लाउडिंग हियर, दिस क्लाउडिंग इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन विच वॉज एयरलियर ओवर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, द मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, येस्टरडे देर वॉज हेवी थंडर शावर एक्टिविटी ओवर गोवा, एंड स्टेट एवरेज रेनफॉल इटसेल्फ वॉज इन द वेरी क्लोज टू वेरी हैवी रेनफॉल। सो ये जो सिस्टम है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी देयर ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड नियर बाई कोस्टल एरियाज फॉर अबाउट 4 to 5 more days। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम हेवी रेनफॉल के चांसेस भी है गोवा के ऊपर, इवन दो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ थंडर शावर एक्टिविटी दैट टुक प्लेस ऑन 6th October। स्टिल देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टू बी अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर, एलॉन्ग विद दैट हेवी रेनफॉल, दैट इज रेनफॉल एक्सीडिंग 6.54 सेंटीमीटर्स, दैट इज पॉसिबल एट 3 or 4 places ओवर गोवा ऑन 7th October, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर डिक्रीज इन द कमिंग डेज। बट इट इज रिक्वेस्टेड दैट सिंस देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वेदर सिस्टम टू कंटिन्यू, प्लीज बी अपडेटेड विद द वार्निंग्स दैट IMD इज इशूइंग इन द कमिंग डेज। जैसे हमने बताया था, 7th, 8th और 9th तीनों दिनों में थंडर शावर एक्टिविटी होने के चांसेस हैं स्टिल गोवा के ऊपर, दो इट्स इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कीप ऑन डिक्रीजिंग। उसी तरह हेवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं 7th और 8th को, 7th को 3 to 4 स्टेशन में होने की पॉसिबिलिटी है ओवर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, और 8th को मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन विल डिक्रीज कंपेयर टू द दैट ऑन 7th of October। और जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है, वेन एवर देर इज एनी थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स आर ऑब्जर्व नियर और अराउंड गोवा, IMD इश्यूज नाउकास्ट वार्निंग, और लाइटनिंग इफ थंडर शावर्स आर एक्सपेक्टेड, और अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल स्ट्रक्चर्स और आइसोलेटेड ट्रीज एज दैट मे इन्वाइट लाइटनिंग हजार्ड्स। और अभी मानसून विड्रॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ मानसून फ्रॉम गोवा इज 14th of October, एंड द विड्रॉवल शुड आइडियली स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम अराउंड 17th September, लेकिन इस बार डिले हुआ है, और एस ऑन 7th October ये वेस्ट राजस्थान के और नॉर्थ गुजरात के कुछ एरिया तक ही विड्रॉवल हुआ है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग 3 to 4 days द विड्रॉवल मे कम इवन अप टू मध्य प्रदेश रीजियन, एंड फर्दर विड्रॉवल विल बी बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड दैट विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू स्पीक अबाउट वेदर सिस्टम्स इन द कमिंग डेज, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए लो प्रेशर एरिया टू फॉर्म ओवर अंडमान सी
नियर द बे ऑफ बंगाल एरिया एंड इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसीफाई फर्दर एंड मूव टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश ओरिसा कोस्ट इन द फॉलोइंग 4 to 5 days फ्रॉम 10th अक्टूबर. सो अकॉर्डिंगली द वेदर पैटर्न्स में चेंज ओवर गोवा टू. सो प्लीज़ बी अपडेटेड विद द वार्निंग्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाई IMD. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन IMD's सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑन इट्स वेबसाइट. प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड. बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन दैट वॉज मैंशनड एयरलियर, जैसे कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के नियर नाइबरहुड में जैसे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके कारण ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ये दोनों जगह पे 7th और 8th अक्टूबर को विंड स्पीड 40 to 50 km/h गस्टिंग टू 60 km/h हो सकते हैं. इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इन टू दिस एरियाज ऑन 7th एंड 8th ऑफ अक्टूबर.